அயோத்தியின் குறுகலான தெருக்களிலே சூரிய ஒளி ஊடுருவிக் கொண்டிருக்கும் வேளையிலே ஒரு செயல் நிகழ்கிறது. தவறான பதையில் திருப்பப்பட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்பினால் விளைந்தது அந்த செயல். காலப்போக்கிலே அரசுகளின் வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் வழிவகுத்தது அந்த செயல். यही भारत का सबसे विवादास्पद स्थल है। यहां कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद को बनवाया, लेकिन हिंदुओं के एक वर्ग के अनुसार उसने मस्जिद का निर्माण 11वीं शताब्दी में बने राम मंदिर को तोड़कर किया था। ये मस्जिद तभी से कुछ हिंदुओं के आंख की किरकिरी ही बनी रही। नतीजा, शताब्दियों से चला आ रहा टकराव का काला इतिहास, अनेक आंदोलन, कई मुकदमे, खूनी दंगे और देशव्यापी राजनीतिक उथल पुथल। 22-23 दिसंबर 1949, दर्ज एफआईआर के मुताबिक मस्जिद के बाहर रखी कुछ मूर्तियों को रहस्यमय ढंग से मस्जिद में रख दिया गया। उसके बाद नमाज का बंद कर दिया जाना, वहाँ मूर्तियों का रखा जाना, ये तो साबित कर रहा है ना कि मुसलमानों के साथ सरासर ये नाइंसाफी हुई है। इसको केवल मंदिर मस्जिद विवाद के नाते नहीं देखा जाना चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि विदेशी आक्रमण की है। जिस तरह से आप शकों के, हुणों के या आर्यों के या ये मानकर कि वो सब हमारे ही लोग थे उनकी परंपराओं को स्वीकार करते हैं, तो आपको ये इतिहास भी स्वीकार करना पड़ेगा। फिर विवाद, फिर मुकदमा, नतीजा अदालत के आदेश से मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। मुकदमों और कानूनी दाव पेंचों का सिलसिला चलता रहा। हिंदुओं ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया, मुसलमान चाहते थे कि मस्जिद उनके लिए खोल दी जाए। जिसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है वो उस मंदिर को दोबारा बनाएगा और शत्रु हमलावरों के प्रतीक चिन्हों को नष्ट करेगा। संघ संप्रदाय के लोग इस बृहत हिंदू समाज में अल्पसंख्यक हैं और इसलिए वो दूसरे प्रकार के अल्पसंख्यकों से होड़ करते हैं। लाठी चार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। हैंडल मी, लुक हैंडल मी।
जन्मभूमि की निर्माण का पवित्र कार्य पूर्व घोषणानुसार पूर्व निर्धारित तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी तद अनुसार दिनांक 6 दिसंबर 1992 के मध्यान्ह 12:15 पर शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने की घोषणा करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। 6 दिसंबर 1992 हजारों कार सेवकों का हुजूम अयोध्या में इकट्ठा हो चुका था। उन्माद अपनी चरम सीमा पर था। उधर राज्य में कल्याण सिंह की तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि विवादित ढांचे पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूं, लेकिन पर जमीनी हालात कुछ और ही थे। बल्लभ, हथौड़े, बर्छे, भाले, तलवारें, कार सेवक पूरी तरह से हथियार बंद थे। जाहिर है उनका एक ही मकसद था। कार सेवकों के जत्थे पुलिस के सुरक्षा घेरों को रौंदते कुचलते मस्जिद के गुंबद तक पहुंच गए। कुछ ही देर में इन कार सेवकों ने मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया। कट्टरपंथी हिंदुओं ने इसे विजय दिवस कहा। मुसलमानों के लिए ये एक दुस्वप्न का साकार रूप था। धर्म निरपेक्ष भारत स्तब्ध रह गया। देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसाद भड़क उठे और फिर मुंबई में हुए बमों के धमाके। बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई। मुंबई महानगरी धू धू कर चल उठी। तबाही और मौत का नंगा नाच चला। दंगों में लगभग 1200 लोग मारे गए।